अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं जुलेखा अरफात, जुलेखा किचन से। मैं भी अल्लाह का करम है और आप लोगों की दुआएं, अल्हम्दुलिल्लाह मजे में हूँ। तो आज मैं क्या बना रही हूँ? आज मैं बना रही हूँ स्मोकी चिकन सीख कबाब मसाला। बढ़िया सी मजेदार सी इंडियन ग्रेवी है, खाते रह जाओगे, उंगलियां चाटते रह जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खाना आज का। चलिए, ये है आधा किलो चिकन बोनलेस। मैंने थाई पोर्शन लिया, आप चाहें तो ब्रेस्ट पोर्शन ले सकते हैं। चर्बी निकाल ली, दो तीन पानी से धो के नितारने, 10-15 मिनट के लिए मैंने साइड पर रख दिया था। अब एक मिक्सर जार लीजिए, उसके अंदर ये सारी चिकन डाल दीजिए और इसमें डाल दीजिए 3/4 या एक छोटा चाय का चम्मच नमक, आधा छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, एक छोटा चाय का चम्मच भुना हुआ पिसा हुआ जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून भुना हुआ दरदरा पिसा हुआ साबुत धनिया और एक छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटी प्याज बारीक काट कर डाल दीजिए, 3-4 हरी मिर्चियाँ या अपने स्वाद अनुसार हरी मिर्चियाँ डाल दें, थोड़ी सी कोथमीर जिसका मतलब है, मेरा मतलब है हरा धनिया, और आप चाहें तो पुदीना भी डाल सकते हैं, 2 टेबल स्पून भुना हुआ बेसन, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 3-4 टेबल स्पून तेल घी या मक्खन डाल दीजिए और बहुत अच्छे से बारीक पीस लीजिए, ये देखिए, और इसे एक प्याले में निकाल लीजिए। एक बड़े से बर्तन के अंदर सारी चीज़ों को अच्छे से निकालिएगा, कोई भी चीज़ यहाँ वहाँ लगी ना रहे हमारे मिक्सर जार के अंदर। अब बीच में थोड़ी सी स्पेस कीजिए और एक स्टील की बाटी रख दीजिए, गरम कोयला रखकर इस पर थोड़ा सा तेल घी या मक्खन डालकर इसे क्विकली ढाक कर इसके ऊपर कुछ वजन रख दीजिए और इसे 5-7 या 10 मिनट के लिए साइड पर रख दीजिए। ये टांडा हमने दिया है बढ़िया सा, तो अब 10 मिनट के बाद ये कोयले को निकाल कर फेंक दीजिए और स्टील की वाटी को हटा दीजिए। एक बार मिक्स कर लीजिए ये हमारे चिकन के मिक्सचर को। और अब क्या कीजिए, थोड़ा सा मैं तो तेल से कर रही हूँ, आप चाहें तो पानी से कर सकते हैं, छोटे छोटे पीस लीजिए इस तरीके से, और ये जो हमारी कांडी आती है ना वुडन स्टिक, इसमें इस तरीके से लगाते जाएं और शेप देते जाएं। तो ये देखिए एक बन गई मेरी। इसी तरीके से मैं सारे थोड़े थोड़े चिकन के मिक्सचर को लगा रही हूँ ये स्टिक के अंदर, वुडन स्टिक के अंदर, और इसको सीख का शेप देके बढ़िया से इसे साइड पर रखती जा रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास बेसन ना हो भुना हुआ डालने के लिए 2 टेबल स्पून, कोई बात नहीं, आप 2 ब्रेड डाल दीजिएगा, जो हमारे सादे ब्रेड आते हैं ना वो डाल दीजिएगा। चलिए मैं सारे बनाकर इसी तरीके से साइड पर रख देती हूँ। अच्छा, तकरीबन आधा किलो के अंदर ये मीडियम साइज की 15 बनती हैं चिकन सीख कबाब। आप चाहें तो प्रोसीजर यहीं से शुरू कर दीजिए या फिर आप मेरी तरह भी कर सकते हैं। मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले तो ये प्लेट को मैंने फ्रिज में रख दिया था, फ्रीजर में ऊपर इनफैक्ट, आधे एक घंटे के लिए। जब हल्का सा इसमें बॉडी आ गई तो अब मैं इसे एक जिप लॉक बैग के अंदर इस तरीके से डालकर इसे 2 दिन के लिए ऊपर डीप फ्रीज करके रख दूंगी। मैं 2 दिन के बाद इसकी ग्रेवी बना रही हूँ, आप चाहें तो उसी समय बना दें या आप चाहें तो मेरी तरह ऊपर स्टोर करके रख दें। तकरीबन आप 1-1.5 हफ्ते तक स्टोर करके रख के खा सकते हैं। 2 दिन के बाद ये देखिए मैंने निकाल लिया है इसे फ्रीजर से और इसे साइड पर रख देती हूँ थाव आने के लिए। तब तक मैं एक पतीली के अंदर थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ, 1/4 छोटी चाय का चम्मच साबुत जीरा डाल दीजिए वो तड़तड़ा जाए, तो 2 मीडियम साइज प्याज छूंदा डालकर इसे आप प्याज को फास्ट आंच पर फ्राई करें। आपने तब तक फ्राई करना है जब तक कलर चेंज होना शुरू नहीं हो जाता। ये देखिए कलर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर अब मैं डाल देती हूँ 1/2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे तब तक भूनिए, फ्राई कीजिए, तब तक फ्राई कीजिए जब तक ये कच्चेपन की खुशबू इसकी ना चली जाए। उसके बाद यहाँ पर मैंने है ना 2 मीडियम साइज के टमाटर को पीस लिया है, मिक्सर जार के अंदर से पीस लीजिए और इसे डाल दीजिए इसके अंदर। चूल्हा मैंने मीडियम कर दिया है और इसे बहुत अच्छे से फ्राई कीजिए, ये जो टमाटर आपने डाले हैं अभी उसे समझिए ना, 3-4 मिनट इसे अच्छे से आप फ्राई कर लीजिए टमाटरों को मीडियम आंच पर। टमाटर 3-4 मिनट तक फ्राई हो जाए, नम हो जाए, तो चूल्हा स्लो कर दीजिए और नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। उसके साथ साथ 1/2 छोटी चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए, 1/4 छोटी चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 3 छोटी चाय के चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटी चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। वैसे कम या ज़्यादा मिर्ची का पाउडर आप अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। 1 छोटी चाय का चम्मच भुना हुआ पिसा हुआ जीरा पाउडर, 1/2 छोटी चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर और 2 छोटी चाय के चम्मच भुना हुआ और दरदरा पिसा हुआ साबुत धनिया डाल दीजिए।
मिक्स कर लीजिए, चूल्हा स्लो पर ही है। यहाँ पर मैंने 1/4 कप जितना पानी मिक्सर जार के अंदर डालकर चलाकर इसमें डाल दिया। इसे मिक्स कर दीजिए, चूल्हा स्लो पर ही रहने दीजिए और इसे ढक कर दम पर पकने दीजिए। तब तक पकाए जब तक तेल नहीं छूट जाता, तकरीबन 3-4 मिनट तो आराम से ही मसाला भून जाएगा। साइड बाय साइड आप देख सकते हैं, मैंने साइड पर इसे थॉ करने रखा है। चलिए 4-5 मिनट हो चुकी है, मसाला थोड़ा सा भून चुका है, आप देख सकते हैं तेल ऊपर आ चुका है। तो मैं अब फिर से यहाँ 1/4 कप पानी डाल रही हूँ, मिक्स कर लेती हूँ और इसे फिर से ढक कर स्लो आंच पर इसे भूनने रख देती हूँ। ये इसके लिए होगा क्योंकि हमारे टमाटर भी भून जाएंगे और हमारा जो मसाला भी है वो भी भून जाएगा तकरीबन 4-5 मिनट के लिए। चलिए 4 से 5 मिनट फिर से हो चुकी है, तो आपने देखा 2 बार मैंने भूनने रखा था और तेल फिर से ऊपर आ चुका है, माशाल्लाह आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 1/4 कप जितनी दही को मीडियम आंच पहले कर देती हूँ और फिर दही डाल के बहुत अच्छे से इसे मिक्स करती हूँ। कंटिन्यूस मिक्स कीजिए इसे, जब पूरे अच्छे से दही घुल जाए आपको लगे तो चूल्हा स्लो आंच करके इसे फिर से ढक कर 4-5 मिनट के लिए दम पर पकने दीजिए। ऐसा क्या होगा कि ये जो दही है इसका पानी भी सूख जाएगा, फिर से मसाले अच्छे भुना जाएंगे, दही भी भुना जाएगी और अगर टमाटर अभी भी रह गए होंगे तो फिर से भुना जाएंगे। अच्छा, मैंने 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी को भी क्रश करके हाथों की मदद से डाला है, ये भी डालकर मिक्स कर लीजिए और ढक कर स्लो आँच पर फिर से 4-5 मिनट के लिए दम पर पकने दीजिए। चलिए मैं इसका जो पतीली ना इसे दूसरे चूल्हे पर रख देती हूँ स्लो आंच पर, और यहाँ पर मैं फ्राई पैन रख देती हूँ। थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, 1 टेबलस्पून मक्खन बटर डाल दीजिए और इसे थोड़ा सा मेल्ट हो जाने दीजिए। जब मेल्ट हो जाए तो 5-6 सीख की वो जो स्टिक्स हैं वो सारी इसके ऊपर रख दीजिए और एकदम अच्छा गर्म कर लीजिएगा पैन को। अच्छा गर्म हो जाए तो ये रख कर इन्हें आप फ्राई कर लीजिए। 1-1.5 मिनट ही फ्राई करना है, या ये समझिए कि चारों ओर से जैसे स्पॉट्स आने लग जाए ना, जैसे हमारे सीक्स के कैसे स्पॉट्स आ जाते हैं ऊपर, बस वैसे स्पॉट आ जाए तो निकाल कर इन्हें साइड पर रख दीजिए, क्योंकि गलाएंगे तो हम अभी इसे हमारी ग्रेवी के अंदर। चलिए ये मैंने सारी निकाल ली है, माशाल्लाह कितनी बढ़िया सी दिख रही है आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से बाकी की जो 6-7 थी ये भी मैं डाल देती हूँ और इसी तरीके से फास्ट आंच पर तकरीबन समझे ना 1-1.5-2 मिनट तक ही इसे पका रही हूँ। ऑल ओवर से जैसे ये ग्रिल्ड इफेक्ट आ जाए बस निकाल लेती हूँ इन्हें भी और साइड पर रख देती हूँ। चलिए सारे फ्राई हो चुके हैं, इसे हटा देती हूँ और पतीली वापस रख देती हूँ, चूल्हा चालू कर दिया मैंने। ये देखिए बहुत अच्छे से मसाला भून चुका है, तेल ऊपर आ चुका है, दही भी भुना गई है माशाल्लाह। तो अब क्या करना है, मतलब मैं 1 कप पानी डाल दीजिए। अब यहाँ आप 1 कप डालिए क्योंकि आपको ज़्यादा गाढ़ा चाहिए, तो मैं तकरीबन 1.25 से 1.5 कप के दरमियान में पानी डाल रही हूँ। इसे एक बार चला लीजिए, फास्ट आँच पर चूल्हा रख दीजिए, नमक अगर कम लगे तो नमक डाल दीजिए। अच्छा, ये जो तेल या जो मक्खन ये जो लगा हुआ है फ्राई पैन के अंदर ये भी सारा डाल दीजिए, तो इसका भी एक फ्लेवर आएगा इसके अंदर और इसमें एक उबाल आ जाने दीजिए। अच्छा, आप सीख तो कांडी के साथ मतलब स्टिक्स के साथ तो डाल नहीं सकते, तो मैंने क्या किया, रोटी ली है और स्टिक्स को इस तरीके से आप नीचे से प्रेस करेंगे ना, पुश करेंगे ना सीख को, तो वो निकल आएगी। तो इसी तरीके से सारी सीख को ये स्टिक में से निकाल लीजिए, क्योंकि हमें ग्रेवी में भी तो डालना होगा ना, स्टिक्स के साथ थोड़ी डालेंगे हम। तो ये देखिए बढ़िया से हमारी सारी सीख रेडी हैं। चलिए इसमें एक उबाल भी आ चुका है आप देख सकते हैं, नमक फिर से चेक कर लीजिए, अगर आपको कम लगे तो एडजस्ट कर सकते हैं आप। और ये सारी सीख को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर डाल दीजिए, एक बार चला लीजिए और इसे स्लो आंच पर ढक कर तकरीबन समझिए ना 7 से 8 मिनट तक पकने दीजिए। तब तक सीख भी पक जाएगी और सीख जिसमें रखी थी प्लेट में से वो भी मैं सारा मसाला जो भी बचा कुछ है वो सारा डाल रही हूँ, कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो। और इसे ढक कर स्लो आंच पर 7 से 8 मिनट तक पकने दीजिए। 4-5 मिनट हो जाए तो मैंने साइड पर कोयला जलाने रख दिया था। अब टोटल 7-8 मिनट हो चुके हैं, हमारी सीख भी पक चुकी है, ग्रेवी भी अच्छी पक चुकी है, तो मैं चूल्हा कर देती हूँ बंद। सबसे पहले तो आप ग्रेवी देख लीजिए, माशाल्लाह क्या बढ़िया बनी है, और जो सीख देख रहे हैं क्या बढ़िया सी लजीज दिख रही है, आप देख सकते हैं, देखिए माशाल्लाह। तो अब मैं यहाँ बीच में स्टील की वाटी रख देती हूँ, कोयला साइड पर जो जलाने रखा था वो डालकर क्विकली तेल घी या मक्खन डाल दीजिए और ढक दीजिए और इसे 2-4 मिनट के लिए उसे ढक कर साइड पर रहने दीजिए। 4-5 मिनट हो जाए तो कोयले को निकाल कर फेंक दीजिए और ये बन गई हमारी रेडी चिकन सीख कबाब मसाला स्मोकी फ्लेवर के साथ। थोड़ी सी कोथमीर डाल दीजिए, आप चाहें तो हरी मिर्चियां भी डाल सकते हैं, मैंने हरी मिर्ची नहीं डाली है। तो
बढ़िया सी हमारी ग्रेवी बन चुकी है। अच्छा थिक आपको जितनी रखनी है, एक्चुअली ये थिक रहती है, मैं कुछ देर बाद इसे सर्व करूंगी तो मैं थोड़ा फिर से गर्म करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने समझिए ना 1.25 कप से 1.5 कप के दरमियान पानी डाला था। आप 1 कप ही डालिएगा, आप 1.25 कप डालिए, आप जैसा आपको ग्रेवी आपको जिस तरीके से चाहिए उस हिसाब से आप पानी डालिएगा ग्रेवी के लिए। अच्छा दूसरी बात मैं आपको बता देती हूँ कि पहले तो मैं टेस्ट कर लेती हूँ, हमेशा मैं टेस्ट करती हूँ, आज मैं बाहर जाके टेस्ट नहीं कर रही, आज मैं यही आपको टेस्ट करके बता रही हूँ क्योंकि गाढ़ा भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजा आ गया। अच्छा अब है ना हम ये भी एक देख लेते हैं कैसी है हमारी सीख, है कि नहीं। सो ये देखिए मस, अब मैं इसको रखूंगा। चलिए और मैं थोड़ा सा ग्रेवी में इसे डालकर मजेदार से खा के देखती हूँ और आपको भी बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मजेदार है, इतनी सॉफ्ट है ना हमारी ये जो क्या है सीख कबाब, सॉरी मैं इतना खो गई कि मैं भूल गई बोलना, सीख कबाब और स्मोकी फ्लेवर है, बहुत ही बढ़िया है। अच्छा कोयले का टांडा है ना आपने नहीं देना, कोई बात नहीं मत दीजिए, दोनों में आपने देना है मेरी तरह, दोनों में दीजिए, ग्रेवी में और चिकन में दोनों में दीजिए, या फिर आप सिर्फ चिकन में दे सकते हैं क्योंकि क्या है ना हम जब सीख बनाते हैं हम घर में पैन में बना रहे हैं, बाहर जो सीख बनती है वो बढ़िया सी कोयले पर बनती है, तो इसमें अगर हम टांडा देते हैं चिकन के कबाब में तो थोड़ा सा हमें बाहर वाला फ्लेवर मिलता है और बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, जैसे इसमें भी दोनों में फ्लेवर आ रहा है। लेकिन अगर आप दोनों में नहीं डालना चाहते एटलीस्ट मैं आपको एडवाइस करूंगी एक में तो डालिएगा चिकन के अंदर, जब आप कीमा बना लेते हैं उसके बाद उसे टांडा जरूर दीजिएगा कोयले का, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आएगा। तो चलिए मैं क्विकली इसे सर्व करती हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, बहुत ज्यादा अच्छी लगी है तो फैमिली और फ्रेंड्स को भी कहिए, इसके लिंक फॉरवर्ड कीजिए और उन्हें भी कहिए बनाए, और अगर आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी है तो कमेंट भी कीजिएगा कि आपने बनाई है तो आपको कैसी लगी। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर व्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, एंजॉय स्मोकी चिकन सीख कबाब मसाला।